गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख संविधान संशोधन। तो उसमें हम लोग ने लगभग 86 संविधान संशोधन तक अध्ययन कर चुके थे, तो हम आज 87 संविधान संशोधन अध्ययन करेंगे, 87वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार ही परिसीमन बनेगा, जो परिसीमन रहेगा वह 2001 की जनगणना के अनुसार ही रहेगा। उसके बाद 88 में देखते हैं 88वां संविधान संशोधन क्या है। इसमें सेवा टैक्स किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, सेवा टैक्स से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे 89 संविधान संशोधन। इसमें SC ST के लिए अलग आयोग का गठन किया जाएगा, SC ST के लिए अलग आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें एक बार 65वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि SC ST के लिए संयुक्त आयोग का गठन किया जाएगा। 65वां में हम बताए थे 65वां संविधान संशोधन, उसमें कहा गया था SC ST के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 91 संविधान संशोधन, 91। इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वह लोकसभा की कुल सीटों का 15% होगा। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सीटों का 15% होगा। ठीक है, तो 87 में हमने अध्ययन किया कि जो परिसीमन का आधार होगा वह 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। ठीक है, 2001 में जो जनगणना थी उसी के अनुसार परिसीमन बनेगा। ठीक है, 88 में सेवा टैक्स की बात कही गई है। 89वां संविधान संशोधन में SC ST के लिए एक अलग आयोग का गठन किया जाएगा, और उसके बाद 91 में मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वह लोकसभा की कुल सीटों का 15% होगा। ठीक है, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन। इसमें चार भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ये चार भाषाएं जब जोड़ी गई तब टोटल राजभाषा कितनी हो गई, 22 हो गई, उनकी टोटल संख्या 22 हो गई। जो भाषाओं के जोड़ने का क्रम था, 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी और 71वें संविधान संशोधन में तीन भाषाएं और जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये भाषाओं से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन हैं। इसके बाद हम देखेंगे 93 संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन, 93 संविधान संशोधन। निजी और सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, निजी और सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की बात कही गई है। उसके बाद 94 अमेंडमेंट, 94 संविधान संशोधन। इसमें कहा गया है कि जो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की मंत्रिपरिषद में एक अनुसूचित जनजाति का मंत्री होगा। ठीक है, उसके बाद हम 95 अमेंडमेंट को देखते हैं। 95 अमेंडमेंट में जो लोकसभा में SC ST का जो आरक्षण होगा वो 2020 तक रहेगा,
95वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि लोकसभा में एससी एसटी का जो आरक्षण रहेगा वो कब तक रहेगा, 2020 तक रहेगा। तो 92 संविधान संशोधन में बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद 93 संविधान संशोधन में निजी और सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की बात कही गई है। 94 संविधान संशोधन में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में की मंत्रिपरिषद में एक मंत्री, एक जनजाति मंत्री की बात कही गई है। 95वें संविधान संशोधन में लोकसभा में एससी एसटी का जो आरक्षण रहेगा वो 2020 तक रहेगा। इसके बाद हम 97 अमेंडमेंट को देखते हैं, 97वें संविधान संशोधन, 97 अमेंडमेंट, ठीक है, 97 अमेंडमेंट। इसमें सहकारी सोसाइटी की बात कही गई है, सहकारी सोसाइटी की बात कही गई, ठीक है। 97 में सहकारी सोसाइटी की बात कही गई। 99 संविधान संशोधन में कहा गया है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग का गठन, ठीक है, 99 संविधान संशोधन में। और 100वें संविधान संशोधन में भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में बताया गया, भारत और बांग्लादेश का सीमा समझौता है, ठीक है। उसके बाद 101वें संविधान संशोधन में जीएसटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो 97 संविधान संशोधन में सहकारी सोसाइटी की बात की गई है, 99 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया है, और 100वें संविधान संशोधन में भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा समझौता की बात कही गई है, 101 में जीएसटी के बारे में बात की गई। ओके, थैंक यू।